बिहार में आप पहले देखते होंगे कि दूसरे राज्य से भी लोग काम करने में लाठी डंडा खा रहे हो, तो बिहार सबसे बड़ा बेरोजगारी का सेंटर, 20 लाख रोजगार में हम लोग चौतरफा सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। कुछ वैकेंसी भी निकलती है तो सिर्फ एक ही जिला के लिए निकलती होगा, मैं आपने देखा होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार सबसे युवा प्रदेश है देश में, मगर बेरोज़गारी में तीसरे पायदान पर है और हर दिन सड़क पर युवा किसी न किसी कारणवश प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतीश कुमार, राजद विधायक, हम उनसे बात करेंगे। सतीश जी, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। बिहार युवाओं का प्रदेश कहा जाता है, मगर हर दिन आपको सड़क पर प्रदर्शन करते नज़र आते हैं युवा छात्र। देखिए, बिहार युवाओं का सबसे बड़ा सेंटर है, बेरोजगारों का सबसे बड़ा सेंटर है, जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा युवा है। लगभग 65% आबादी यहाँ के 40 साल के आसपास की है, लेकिन लगातार चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या नीतीश कुमार जी की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, तमाम सरकारों ने युवाओं की अपेक्षा की और इनको सिर्फ जुमला देकर के ठगने का काम किया। आज बिहार में आप पहले देखते होंगे कि दूसरे राज्य से भी लोग काम करने आते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने बिहार के 16 साल के कार्यकाल में यहाँ पर पहुँचा दिया कि बिहार के लोग कहीं भी मजदूर देखिएगा तो बिहार के मजदूर मिलेंगे। बिहार के लोग चाहे महाराष्ट्र में लाठी डंडा खा रहे हो तो बिहार के मजदूर, जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं बिहार के मजदूर, गुजरात में पीटे जा रहे हैं बिहार के मजदूर। तो ये बिहार सबसे बड़ा बेरोजगारी का सेंटर बन गया है और सरकार 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार का वादा करके आई थी केंद्र सरकार, और उनके झांसे में आ करके लोगों ने बिहार में 40 में से 39 सीट लोकसभा जिताने का काम किया, लेकिन एक भी सांसद रोजगार के सवाल पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो एक भी हम चाहते हैं कि हम अपने नौजवान साथियों से कि ऐसे नकाहिल सांसदों को घेरने का काम करें जो जुमलेबाजी बोल करके उनको ठगने का काम किए, उनका वोट लिए और रोजगार के सवाल पे सारे लोग चुप हैं। इसी तरीका से जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 का चुनाव जो रोजगार के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे जो एजेंडा सेट किया और 10 लाख बेरोजगारों को पहली मीटिंग में, कैबिनेट की पहली मीटिंग में रोजगार देने का वादा किया, और उन लोगों ने, करोड़ों युवाओं ने तेजस्वी यादव पर भरोसा कर करके इनको बहुमत देने का काम किया, लेकिन चोर दरवाजे से नीतीश सरकार आई और इनके कंपटीशन में उन लोगों ने कहा 19 लाख हम रोजगार देंगे, लेकिन 19 लाख रोजगार कब देंगे ये नहीं बता रहे हैं जब हम सदन में सवाल कर रहे हैं। तो सवाल है कि उनको रोजगार मिलेगा, ये झूठ बोल बोल करके इनको वोट लेने का काम कर रहे हैं। और जब ये रोजगार के सवाल पे सड़क पे उतरते हैं, चाहे एनटीपीसी का मामला हो, आरआरबी का मामला, में आपने देखा है कि जब नौजवान, बिहार का नौजवान जब मेघा घोटाला हो गया, उसमें लगभग 5 लाख युवाओं का और रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन उनको जब वंचित किया गया और जब रिजल्ट से असंतोष होकर के लोग जब सड़क पर उतरे तो उनके साथ किस तरीका से बर्बर हमला किया गया, उनके लॉजेज में घुसा गया, उनके घर में घुस करके हजारों नौजवानों पर FIR दर्ज किया गया, उनको पकड़ करके जेल में ठूस दिया गया। और कोचिंग संचालक जो सस्ते दाम पैसे ले करके जो सरकार को कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोचिंग संचालक उनको पढ़ाते हैं, तो उनके यहाँ छापामारी की गई, उन पर FIR किया गया। तो ये सरकार जो आप लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध करते हैं उस विरोध की को दबाना चाहती है। तो हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, राजद हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका आप रोज़गार को लेकर किस तरह से निभा रहे हैं? बजट सत्र भी आने वाला है तो उसमें आपकी क्या ऐसा रोडमैप है कि आप युवाओं के इन मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, पिछले सत्र में जब से सदन ये चालू हुआ तब से आपने देखा होगा कि रोजगार का सवाल को लेकर के हम लोग प्रत्येक दिन सरकार को घेरते हैं, लेकिन सरकार कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हम 5 लाख हम उनको रोजगार करने के लिए लोन देंगे, वो भी कितने लोगों को इन्होंने रोजगार लोन दिया ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो जो बजट सत्र आ रही है, इस सत्र में
हम लोग चौतरफा सरकार को घेरने का काम करेंगे और रोजगार के सवाल पर सरकार से हम लोग जवाब चाहेंगे। और यदि नीतीश कुमार जी से रोजगार नहीं सृजन हो पा रहा है तो इस्तीफा दें। तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को अभी भी रोजगार देने के लिए जो कटिबद्ध है हम लोग देंगे, लेकिन सवाल है कि जो रोजगार मांगने जाए उनके साथ लाठी गोली की भाषा नहीं चलेगा। इसलिए नीतीश मोदी की सरकार, युवा और बेरोजगारों का हुआ बुरा हाल, ये पूरा युवा बेरोजगार हताशा निराशा में जी रहे हैं, वो कुंठित होकर के जी रहे हैं। आप देखेंगे कि आप अधनंग होकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास में कुछ नहीं बचा है, वो किस उम्मीद से पढ़ाई करें, उनके पास में नहीं बचा है, कुंठित हो रहे हैं। लेटर एंट्री से आईएएस बनाए जा रहे हैं और होम गार्ड के लिए और इन तमाम चीज़ों में बहुत सख्ती बरती जा रही है। और बिहार में कुछ वैकेंसी भी निकलती है तो सिर्फ एक ही जिला के लिए निकलती है, पूरे बिहार के लिए वैकेंसी नहीं निकलती है, वो नालंदा के लिए निकलती है। दरोगा में आपने देखा होगा 1 नंबर से लेकर 50 नंबर रोल तक का एक ही सेंटर का दरोगा में पास होते हैं, इसकी जांच नहीं होती है। तो इसलिए बिहार का युवा रूठा है, नीतीश कुमार झूठा है, ये युवा सड़क पर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो सतीश कुमार ने साफ तौर से ये बात साफ कही कि बजट सत्र में वो रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। अब ऐसे में देखना है कि विपक्ष अपनी भूमिका को किस तरह निभाता है कि सरकार के कान तक उनकी आवाज़ जाती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।